This meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Thank you, Ali. आज की इस मंथ की अलकिताब सेशन की जो बुक है वो है एडम एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, और जो राइटर हैं जनाब सैयद आमिर रजा साहब. आपका मुख्तसर तारुफ जो मैं देख सका, आपकी बेशबहा किताबें अवेलेबल हैं अमेज़ोन पे. कुछ किताब और ये सारी की सारी किताबें एक बेहतरीन सरमाया है. जो कुछ मुख्तसर सा तारुफ है, मिसाल के तौर पे लाइफ आफ्टर डेथ है, एक और किताब जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई प्राइमेसी ऑफ बीइंग मुल्ला सदरा, जिसमें आमिर रजा साहब ने शवाहिद रबूबिया है, तफसीर कुरान उसमें शामिल है, अफसारुल अक्लिया और अरबा है, अलमसाइलुल कुदसिया और मफातीहुल गैब. इसके अलावा तफसीर कुरान सूरह हम्द बाई मुल्ला सदरा, उसके बाद स्पिरिचुअल क्यूरीज हैं, डिवाइन विटनेस, और आज वाली किताब एडम एंड ह्यूमन एवोल्यूशन विजडम ऑफ इटर्नल सेल्फ है, मिराकल्स एंड रिवेलेशंस है. आज की किताब के बारे में एक मुख्तसर सा तारुफ, वैसे तो आमिर रजा साहब खुद बात करेंगे कि इस किताब की खसूसियत ये है कि इसमें जो हज़रत आदम के बारे में स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं उनको और डार्विन थ्योरी उसको एक्सप्लेन किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो सिंबोलिकल मीनिंग्स हैं हज़रत आदम की क्रिएशन में उस पर बहुत बेहतरीन बात की गई है. तो मैं गुजारिश करूंगा आमिर रजा साहब से कि वो प्लीज़ प्रेजेंट करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं जनाब इंतज़ार जाफरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस किताब को अपने वेबसाइट पर और चैनल पर मुतारिफ करवाया और इसके ऊपर तबसरे का अहतमाम किया. बास रिजवी साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने मेरी किताबों पर एक बिल्कुल बड़ा जामे और एक तारुफ सा करवा दिया है. तो ये जो किताब है आदम एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, इसको लिखने के दो बड़े मकासद हैं. एक तो सबसे पहले तो मकसद जो है ना वो ये है कि क़िस्सा आदम जो है वो बनी नौ इंसान की जो इब्तिदा है उसके बारे में क्या कह रहा है, इस बात पर तहकीक मैंने की है. और दूसरा बड़ा मकसद ये है कि ये क़िस्सा आदम में असल में ये हमें तलाश करने की ज़रूरत है, इस बात पर तहकीक करने की ज़रूरत है कि वो दरअसल कहना क्या चाह रहा है अल्लाह ताला इस किस्से के ज़रिए. और जैसा जैसा कि मैंने इस किताब में वजाहत की है कि ये क़िस्सा आदम जो है वो बहुत सारे रूहानी और आफाकी हकायक को आश्कार कर रहा है जिसका ताल्लुक बराह रास्त इंसान से है. अब ये जो दोनों मकासद हैं, यानी ये कि बनी नौ इंसान की इब्तिदा कैसे हुई और क्या आया क़िस्सा आदम में जो हैं कुछ रूहानी हकायक बयान किए गए हैं, ये दोनों मकासद जो हैं ये क़िस्सा आदम को जब हम अलामती और तमसीली पस मंज़र में मुताला करते हैं तो उसी वक्त ये मकासद पूरे होते हैं. अब यह जो अलामती और तमसीली अजहार बयान है ये
कोई नया नहीं है, ये कोई मैंने नई बात नहीं किया, ये बल्कि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि तमाम मजाहिब में। बहुत सारी अलामत ऐसी इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि जो रूहानी हकायक हैं और जो वही का तरीक़ाकार है वो रूहानी जो जब हकायक की जो तफसील है वो जब बयान की जाती है आसमान से और किसी नबी के ऊपर या किसी पैगंबर पर, तो वो उसका तमस्सुल जब होता है तो वो कोई किसी ना किसी फिजिकल या जिसको कहते हैं जिस्मानी सूरत हाल से ही होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा आम है मजहबी और रूहानी रवायात में अलामतियत को इस्तेमाल करना या अलामती सारे बयान जो है वो इस्तेमाल करना। तो इसकी मिसाल हम खुद इस्लाम में तो भी बहुत सारी हैं बातें, जिस तरह सिरात मुस्तकीम ही है, हर शख्स जानता है सिरात मुस्तकीम। अब सिरात मुस्तकीम का ये मतलब थोड़ी है कि कोई बहुत बड़ी सड़क है जो बिल्कुल सीधी है और बहुत बड़ी कोई शाहरा है जिस पर चल के जो है ना हम सीधा जन्नत में जा सकते हैं। जाहिर है कि ये अलामत है उन फिक्री और उन अकली और अमली रवैयों की जिस पर चलकर जो है इंसान एक ऐसी रूहानी तकमील हासिल करता है कि उसे मौत के बाद जन्नत और जो उसके रूहानी तकमील के जो समरात हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये इसके अलावा भी और बहुत सिरात मुस्तकीम नहीं है बल्कि अल-क़लम है, लोहे महफूज है, अर्श है, कुर्सी है। तो ये सब अलामत हैं जिनके जरिए बहुत ही अहम जो है ना वो रूहानी हकायक का इजहार किया गया है हमारे यहाँ हमारी इस्लामी रवायात में। तो जो किस्सा आदम है वो किस्सा आदम भी जो है वो एक अलामती और जो ये तमसीली हैसियत में ही समझा जाना चाहिए। और उसमें आप ये देखें कि एक आयत में बल्कि काफ़रीन की तरफ से ये कहा गया है कि ये कुरान जो है ये कससुल अंबिया है, और कससुल अंबिया तो है ही सातीरुल अवलीन है, यानी पिछले लोगों की सिर्फ कहानियां हैं। और उसके बाद फौरन ये कहा गया है कि ये ऐसी बात नहीं है बल्कि ये जो है ये नाजिल किया गया है उस हस्ती की तरफ से जो ज़मीन व आसमान के जो है वो राज जानता है। तो गोया कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये किस्से जो हैं अंबिया के कुरान में इनको तमसीली पस मंज़र में ही समझा जाए तो फिर ही सही मानों में ये हमें जो है कोई पैगाम पहुँचाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जो तमसीली और अलामती पस मंज़र है या सारे बयान जो है उसके बहुत सारे फ़वाद भी हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि अगर रूहानी और जो अकली बहुत सारे हकायक हैं उनको अगर अकली अल्फाज और मुश्किल जो फलसफियाना असलाहों के ज़रिए बयान किया जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं जो उन असलाहत से वाकिफ़ नहीं हैं वो इस तरह के पैगाम को समझने से बिल्कुल कासिर रह जाएंगे। और फिर ये असलाहत जो होती हैं फलसफियाना असलाहत और रूहानी असलाहत जो हैं वो उनके मानी मुश्किल होते हैं और इसलिए वो जहन में ज़्यादा देर तक कायम भी नहीं रहते। तो ये जो अलामती सारे बयान है उसका भी ये बड़ा फ़ायदा होता है कि हर शख्स अपनी अपनी जहनी सतह और अपनी अपनी अकली इस्तेदात के मुताबिक जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल कर लेता है जो कुछ भी बयान किया गया है अलामती पस मंज़र में। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ जो है ना ये अलामात और तमसीलात जो हैं हमें कुरान में भी नज़र आती हैं और अहादीस में भी नज़र आती हैं। तो अब यहाँ जो है ना यहाँ इस बात पे जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा जिस बात पर निज़ा हो सकता है या इख्तलाफ किया जा सकता है वो इन अलामात की जब हम मानी मुकर्रर करते हैं तो उस वक्त उभर कर सामने आता है। तो लोग एतराज़ कर सकते हैं, एतराज़ करने वाले, कि आपने ये वाला मानी क्यों अख्तियार किया, कोई और मानी क्यों नहीं इसका इसके साथ मंसूख किया जा सकता। तो इसके लिए जो है वो ये बात है कि जब भी हम कोई अलामत को के मानी को जो है वो
उसके साथ कोई मानी मनसूख करते हैं तो हमेशा किसी ना किसी बुनियाद पर किया जाता है वो, या फिर तो उसकी तरफ हमें कुछ इशारा जो है खुद कुरान करीम में भी मिल जाता है, या अगर नहीं भी कुरान करीम में मिलता तो कोई कोई तारीखी पस मंजर हो सकता है उसकी बुनियाद, या कोई सकाफती या कोई समाजी रवैया उसकी बुनियाद बन सकता है, यानी कोई ना कोई हवाला ऐसा होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर जो है ना अलामात को मानी मनसूख किया जाए। और यही चीज अगर आप देखेंगे कि इस किताब में जो है ना मैंने जो भी मानी मनसूख किया है जिस किसी भी अलामत के साथ, तो वो मानी मुझे या फिर तो कुरान उसकी तरफ इशारा कर रहा है या कोई ना कोई तारीखी माशरती या कोई समाजी पस मंजर के तहत जो है ना वो मानी हमें उस तरफ वो मानी अख्तियार करने की हमें जो है उस तरफ इशारा मिलता है। तो इसको एक मिसाल से समझते हैं। सबसे पहले हम खुद लफ्ज़ जो आदम है उसके ऊपर गौर करते हैं कि खुद जो लफ्ज़ आदम है वो इस किस्से में दरअसल किस चीज़ की अलामत है। अगर आप गौर करें तो जो आदम का लफ्ज़ है वो इसके अलावा आदम के लफ्ज़ के अलावा ये जो कुरान में है ना ये 7 मुकामात पर किस्से आदम जो है वो बयान किया गया। इन 7 मुकामात में से जो 2 मुकामात हैं उसमें आदम का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया बल्कि आदम की बजाय जो है वो बशर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यानी इससे हमें ये वाज़ह इशारा मिलता है कि आदम जो है वो दरअसल सिर्फ आदम ही नहीं मुराद लेना चाहिए, हमें हज़रत आदम ही नहीं मुराद लेने चाहिए बल्कि आदम का जो लफ्ज़ है वो तमाम इंसानों को की नुमाइंदगी कर रहा है, तमाम बशर हैं, हर बशर के ऊपर सादिक आता है वो। तो ये जो 2 हैं सूरह साद में जो किस्सा आदम बयान हुआ है और सूरह हिजर में जो बयान हुआ है उसमें लफ्ज़ आदम है ही नहीं, उसमें बशर का लफ्ज़ आया है लेकिन वाकयात वही हैं, यानी मलाइका को कहा जा रहा है कि वो सिज्दा करें और शैतान इनकार कर रहा है सिज्दा करने से, तो उससे बिल्कुल ये वाज़े हो जाता है कि एक किस्सा आदम ही बयान हो रहा है लेकिन यहाँ बशर के हवाले से हो रहा है। तो गोया जो आदम का लफ्ज है वो तमाम इंसानों पर के ऊपर सादिक आ रहा है। इसके अलावा ये सिर्फ बात ये नहीं है कि दो मुकामात पर जो है वो ये बशर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसके अलावा आप अगर गौर करें तो कुछ मुकामात पर जो है वो जमा का सीधा इस्तेमाल किया गया है। यानी जब ये कहा जा रहा है कि इस जन्नत से उतर जाओ जमीन पर उतर जाओ तो वो अहबतु जो जमा का सीगा है वो इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एक आयत कुरान में ऐसी भी है जिसमें ये कहा गया है कि मैंने तुम सबको तो यानी कि इंसानों को की तरफ खिताबत करते हुए कहा जा रहा है कि मैंने तुम सबको जो है हमने तुम सबको जो है वो नायब बनाया। तो यानी कि नियाबत इलाही का जो तस्वर है वो सिर्फ हजरत आदम से मखसूस नहीं है बल्कि तमाम इंसानों पर ये बात साबित आती है। तो ये सारे दलायल बनते हैं जिससे ये वाजे हो जाता है कि किस्सा आदम जो है वो इसमें जो इस लफ्ज़ आदम इस्तेमाल किया गया है वो पहले इंसान के लिए भी है, ये नहीं है कि वो पहले इंसान के लिए नहीं है। जाहिर है कि पहला और इंसान अव्वल जो है वो हज़रत आदम असल में एक कदीम शख्सियत से थे। हम इस्लाम में हम उनको पहला पैगंबर भी मानते हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो उनका नाम जाहिर है कि उस वक्त तक लोगों के जहनों में था, तारीख लिखने वालों या तारीख समझने वालों के जहन में उस वक्त था जब ये इसको बाइबल में सबसे पहले हजरत आदम का जिक्र किया गया, उसके बाद फिर कुरान में भी उसका जिक्र आया। तो ये इब्तदाई बुजुर्गों में से एक शख्सियत थे हजरत आदम। तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो जो बाज़ लोगों ने कुछ इस तरह भी लिखा है कि होमो सेपियन जो पहला पैदा हुआ एप्स में, जो होमो सेपियन बायोलॉजिकल नेम है, कुछ लोग आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इंसान का, तो ये जरूरी नहीं है कि जो पहला होमो सेपियन पैदा हुआ एप्स के हाँ तो वही हजरत आदम थे, बल्कि हजरत आदम एक इब्तदाई और एक कदीम शख्सियत है जिनको एक पहला इंसान के तौर पर भी हम उनको पहले इंसान की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं वो, और हर इंसान
की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और आइंदा पैदा होने वाले हर इंसान की भी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं इस कसाए आदम के अंदर। तो ये है आदम का जो लफ्ज आदम का अलामती पस मंजर। तो जब इस पस मंजर में हम देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि ये जो किस्सा आदम है ये हमारे बारे में भी हर शख्स के बारे में ये एक बहुत ही अहम कोई पैगाम लेकर आ रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो है ना किस्सा आदम में दरअसल कहा क्या जा रहा है। और सबसे पहले तो मैं जो नौए इंसानी की जो इब्तदा है उसके बारे में ही बात करूंगा कि नौए इंसानी की जो इब्तदा है उसका किस्सा आदम से क्या ताल्लुक है, किस्सा आदम इसके बारे में क्या कह रहा है। तो जो सूरह सात और सूरह हिज्र में जो इब्तदा होती है किस्सा आदम की वो यही कहकर होती है कि जब तेरे रब ने मलाइका को कहा कि मैं एक बशर तख्लीक करने जा रहा हूँ मिट्टी से, तीन से, मिट्टी खाक कह लें उसको। तो अब यहाँ जो कीवर्ड है वो मिट्टी है, यानी मिट्टी से और खाक से मुराद दरअसल क्या है कुरान का। तो हम ये कुरान में ही देखते हैं कि ये जो है कुरान क्या हमें कहता है। कुरान में दो तीन जगहों पर मैंने दो तीन आयात इसमें की हैं, इसमें मैं इसमें एक स्लाइड आपको दिखाता हूँ। ये जो है सूरह सात में तो ये कहा गया है ना कि जो किस्सा आदम है कि भाई मैंने बशर को खाक से पैदा किया। इसमें अभी शेयर नहीं हुई, अगर आप शेयर का। अच्छा जी जी अच्छा एक मिनट में ख्याल में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है जी। मैं शेयर में जाके देखता हूँ। ये जो आपके नीचे स्क्रीन पे शेयर स्क्रीन आ रहा होगा अगर आप इसे करेंगे ना। जी जी वहां से मैंने वहीं से कर रहा हूँ। अच्छा। और ये मेरे ख्याल में कोई विंडोज की ओपनिंग आती है इसमें। अब आ रही है? जी जी अब आ गई है जी बिल्कुल जी। बशरी फर्द की तखलीक के मराहिल जी। अब ये देखिए ना यहाँ जो सूरह साद में जो कहा जा रहा है कि खाक से मैंने बशर को पैदा किया, और सूरह मोमन में, अब ये कुरान की आयत है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं ये कोई बात कर रहा, इसमें कुरान की आयत आप देख भी सकते हैं। सूरह साद की 71वीं आयत जो है वो ये कह रही है कि मैं जो हूँ वो बशर को खाक से तख्लीक करने जा रहा हूँ। सूरह मोमन कह रही है कि खाक से और फिर नुतफा पैदा किया और फिर नुतफे से अलका और अलका से फिर बशर। अलका का मुझे सही उर्दू कोई हम मानी लफ्ज नहीं मिला तो मैंने अरबी का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हमें उसमें तफसील में नहीं जाना। हमने सिर्फ यही जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो मराहिल का बताना चाह रहा हूँ कि बशरी फर्द की जो तख्लीक होती है, और ये बात जाहिर है कि उस वक्त भी जो है वो कोई किसी से ढकी छुपी नहीं थी कि जो इंसान की तख्लीक होती है वो शिक्म मादर में होती है। तो लेकिन अब ये देखें यहाँ दो हैं, और जब आप सूरह मोमिनून में जाते हैं तो खाक, फिर है खाक से नुतफा और नुतफा से अलका और अलका से मुजगा और मुजगा से एजाम, एजाम हड्डियों को कहते हैं, और फिर जो है बशर। तो यानी ये कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि खाक के लफ्ज से जो है ना वो असल में उन तमाम मराहिल का की तरफ इशारा किया गया है कि जो इंसान की तख्लीक है या बशर की तख्लीक जो है वो एक मरहलावार उसका मरहलावार तख्लीक का नतीजा है, और ये जो बाकी दोनों आयतें हैं वो भी खाक से शुरू होती है। और ये जो तरीका इजहार है ये कोई ये बल्कि आजकल की हालिया साइंस में भी यही इस्तेमाल किया गया है,
कि हालिया साइंस ये कहती है ना कि हर तमाम जो चीजें हैं वो छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनी हैं। अब वो बीच के मराहिल जो हैं वो उसकी तरफ नहीं वो देखते, बल्कि बराह रास्त जो है वो यही कह देते हैं कि जी छोटे छोटे खराब। तो पहला जो मरहला है यहाँ हमारे इस हयात में खाक है, तो खाक मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि खाक जो है इस हयात में वो इन तमाम मराहिल की नुमाइंदगी कर रहा है। वो सिर्फ खाक से मुराद सिर्फ खाक नहीं है, बल्कि खाक से मुराद जो है वो तमाम मराहिल हैं जिन जो मराहिल तय करके कोई भी जो है अपना जो बशर है वो तख्लीक किया जाता है। तो इसलिए ये बात जो मशहूर हो गई है कि अल्लाह ताला ने खाक से पहले पुतला बनाया और फिर उसमें रूह फूंक दी, और तो ये बात कोई बहुत ज्यादा इस बात से इसको कोई मदद नहीं मिलती। ये आयात वाजे बता रही हैं कि जो तख्लीक बशर है या तख्लीक आदम जो है वो असल में मरहला वार जो है उसका नतीजा है। तो हर जो पहला मरहला है जो खाक है वो उसमें जो होता है उसके अंदर, इसमें मैं यहाँ मुल्ला सदरा के ये फलसफे के हवाले से ही असल में सारी चीज मैंने ये तफसील बयान किया। मुल्ला सदरा तो इसके लिए जो अरबी में लफ्ज है बिलकुआ और बिलफेल कहते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा और ज्यादा मेरे ख्याल में समझने के लिए वो इंग्लिश का लफ्ज ज्यादा अच्छा है, पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी। तो खाक में पोटेंशियलिटी है कुछ ना कुछ बनने की, नुस्खा बनने की भी, वो चाहे अब जो है पेरेंट्स जो हैं जो वालदेन हैं उनकी खुराक पहले बनती है जाहिर है पौधों और फसलों के जरिए, और वो फिर उसके बाद उनके जुज का जरिया बनते हैं, जुज बनते हैं, और वो जुज बनने के बाद तोलीदी मवाद उनकी तरफ से आता है और वो फिर अलका और मुजगा बनते हैं। तो ये सब यानी कि हर मरला जो है वो अगले आने वाले मरहले के इम्कानात का हामिल है, यानी पोटेंशियलिटीज का हामिल है। अच्छा, अब जब पोटेंशियलिटीज का हामिल है तो उसके बाद वो एक्चुलाइज जो होता है अगले मरहले में वो खुद ब खुद नहीं हुआ होता, बल्कि वो जो है उसके लिए उसको मुल्ला सदरा की अगर हम इस्तेमाल करें तो एक जाती की जरूरत होती है, क्योंकि हर शय जो है हर मीनिंग जो है वो एक यूनिवर्सल मीनिंग है, और ये मगरबी फिलोसफर भी ये कहते हैं कि इनमें जो वजूद है वो जरूरी नहीं है। तो वजूद फिर मिलता कहाँ से है? वजूद जो मिलता है वो दरअसल मुल्ला सदरा के मुताबिक इल्लत जाती से मिलता है, और इस तरह जो है वो मरहलावार किसी भी शय की जो है ना वो तकमील होती है। इसको अगर मैं थोड़ी सी किसी शक्ल के जरिए दिखाना चाहूँ तो इस तरह की बात बनेगी, चूंकि थोड़ा सा लेकिन अहले इल्म और दानिश हैं सब लोग मेरे ख्याल में बात आसानी से समझ आएंगे कि जो बशरी फर्द की तख्लीक है खाक से नुतफा और नुतफा से अलका मुजगा और फिर अजाम और फिर बशर। अब ये जो हमें नजर आता है या जो साइंस भी हमें कहती है, साइंस की आप कोई किताब एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे तो इससे भी ज्यादा कुछ मराहिल मिल जाएंगे आपको। तो मरहला वार जो ये तख्लीक हो रही है इसमें जो खाक इल्लत है नुतफे की और नुतफा इल्लत है अलका की और अलका इल्लत है मुजगा की और मुजगा इल्लत है अजाम की, यानी कि मरहला वार जो स्टेप बाई स्टेप जिसको कहते हैं वो काम जो हो रहा है ये सब इल्लत इस्तेदादी कहलाता है। यानी खाक में इस्तेदाद है नुतफा बनने की और नुतफे में इस्तेदाद है अलका बनने की और अलका में मुजगा बनने की। तो जब इस्तेदाद हो या सिर्फ इम्कान हो तो वो इम्कान खुद इन इटसेल्फ तो कुछ भी चीज नहीं है, तो इसलिए उसको अपने जो भी चीज वो जिस चीज का इम्कान है उसको वजूद देने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, और ये चीज वो इल्लत जाती जो है ये इल्लत जाती जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, और ये खाक को भी मिल रही है, हर मरहले को मिल रही है। ये आपने देखा होगा कि इल्लत जाती तो ये है, इसलिए वो अल्लाह कह रहा है कि मैं जो है एक बशर तख्लीक करना चाह रहा हूँ, करता हूँ करूंगा खाक से ले से बशर तख्लीक किया जाएगा, और उसके ये मराइल भी हो सकते हैं जो दीगर आयात में दिए गए हैं। तो खाक को कह के तो एक जैसे कहते हैं ना शॉर्ट उसको इजमाली इजहार किया गया है ना, इजमाली इजहार बयान अख्तियार किया गया। तो ये असल में है जो मामला बशरी फर्द की तख्लीक का। अब ये तो है एक फर्द की तख्लीक का, अब असल तो जो हमारा मसला था वो नौए इंसानी की जो तख्लीक है
वो कैसे हुई है। तो अगर इसी प्रिंसिपल को यानी कि इसी जो है असूल को हम अपनाएं कि खाक जो है वो एक सिर्फ पहला मरहला है और उसके बाद दीगर मराहिल के बाद बशर बनता है, तो यही हम जो है नौ इंसानी के ऊपर भी यही बात हम सादिक आती है। और उसके उसके लिए फिर हम जाहिर है कि उसमें थोड़ा सा अगर हम इस तरह उसके मराहिल बनाएं कि खाक है और खाक में जो है ना वो पोटेंशियलिटी है नामियाती मादे की, और नामियाती मादे में के अंदर जो है वो पोटेंशियलिटी जो है वो नबातात की है, और नबातात में पोटेंशियलिटी है हैवान की बनने की, और हैवान में पोटेंशियलिटी है बशर की। तो ये सारी जो है ये सारी पोटेंशियलिटी का जो तसलसल है ये इल्लत इस्तेदादी कहलाता है, लेकिन इसको हर मरहले पर हर पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी कि हर लम्हा जो है वो इल्लत ज़ाती की ज़रूरत है, और इसलिए वो अल्लाह के बगैर जो है ये तख्लीक या नौए बशरी जो बशरी नौ की जो का इर्तका जो है ये अल्लाह के किए बगैर नहीं हो सकता। तो जहाँ तक ये जो उफकी सतह पर जो ये दिखाया गया है, और यही बात डार्विन की थ्योरी भी यही कह रही है कि खाक से नामियाती मादा है, मादे से नबातात है और हैवान है, और जाहिर है कि डार्विन ने बहुत अच्छा नजरिया पेश किया है और उसमें उसने वो जनियाती जो जेनेटिक म्यूटेशन का जो उसने और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के साथ उसने जो वजाहत की है वो बहुत ही आला है। आमिर साहब आप सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, आप दूसरी स्लाइड शेयर कर रहे हैं या पहली स्लाइड शेयर कर रहे हैं? अभी आप पहली स्लाइड पे ही हैं, बशरी फर्द की तकलीफ। नहीं ये मैं तो अच्छा ये फिर यहाँ में चेंज होगा, मैं तो इसमें तो चेंज कर दिया ना, एक मिनट एक अगर आप उस पे क्लिक कर लेंगे ना आप, इसका मतलब है कि जी साइड हम स्लाइड नंबर 2 देख रहे हैं आपकी इस वक्त, अगर आप जी अच्छा वो फिर मैंने उधर तो चेंज कर दिया है, मैं असल में उधर दूसरे उस पे चला जाता हूं तो फिर जाहिर है कि मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा आ रहा है इनेबल एडिटिंग, उस पे क्लिक करके और आप स्लाइड चेंज कर लें। अच्छा एक मिनट, बहुत खूबसूरत यहाँ तो अब ये आ रही होगी। बस बशरी नौ के इर्तका के मराहिल शेयर हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये बशरी फर्द की तख्लीक के मराहिल ये हो गया या मैं दोबारा बयान करूँ इस पर? नहीं बयान ये भी नहीं गया। बयान तो ये बशरी फर्द की तख्लीक के मराहिल ये है, ये पहले मैंने इस पर बात की थी, पता नहीं ये भी आपके नजर आ रही थी या नहीं। जी वो तो हो गया, हम वो बात तो समझ में आ गई थी, बस वो स्लाइड पुरानी आ रही थी, तो अब ये शेयरिंग अच्छा। थोड़ा टाइम लगेगा, आप कंटिन्यू रखिए आ जाइए। अच्छा जी, तो ये जो इर्तका के ये मराहिल जो हैं, ये जो अगर आप उफकी सतह पर जो देख रहे हैं कि खाक से नामियाती मादा और नामियाती मादा से नबातात और नबातात से हैवान और फिर बशर, ये सब जो है ये जो है ये डार्विन जो है डार्विन की थ्योरी में भी यही बात की गई है, लेकिन जो डार्विन की थ्योरी में जो बात नहीं कही गई वो ये वो अल्लाह ताला की जो इल्लत ज़ाती का जो असरात है उसको वो उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया है। माफ कीजिए, तो ये कहने का मकसद ये है कि अगर हमें कोई इशारा मिलता भी है क़िस्सा आदम में नौए इंसानी के इब्तदा का, तो वो असल में वही इर्तका के मराहिल का ही मिलता है। खाक जो है वो किसी पुतले के बनने की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि वो इशारा उन मराहिल की तरफ ही है जो मराहिल नामियाती मादा और फिर नबातात और फिर हैवान और फिर बशर, और ये नौए इंसानी के जो शुरू होने के ये खाक के जरिए ये मराहिल का इजहार किया गया है कि मुख्तलिफ मराहिल हैं और उनमें पोटेंशियलिटीज हैं, और अल्लाह ताला जो है वो अपने तख्लीकी अमल से हर मरहले को जो है वो तख्लीक करता है, उसको वजूद अदा करता है। तो यहाँ दो चीजें आ जाती हैं फिर इस बात से जो बड़ी बात वाजे होती है, वो ये है कि इंसान के दो पहलू हैं, एक खाकी पहलू है
जो यानी उसके दुनियावी उसके दुनियावी समत में जो पहलू उसका है वो खाकी पहलू कहलाया जा सकता है, और एक उलूवी पहलू है या रूहानी पहलू है जो जो यानी उसके अल्लाह ताला की तरफ जो जो पहलू उसका बनता है। तो ये जो दोनों बातें हैं, दोनों पहलू हैं इंसान के, ये हमें फिर रहनुमाई करते हैं कि इंसान में जो है रूहानी तरक्की के बहुत सारे इम्कानात मौजूद हैं। और यूँ ये जो है इस जो किस्सा आदम में बताया गया जो एक जो जो इंसानी नौ इंसानी की इर्तका का जो की तरफ जिस तरफ इशारा किया गया है, ये वो डार्विन की जो नजरिया इर्तका से बहुत ज़्यादा आला वर्फा इस हवाले से बन जाता है कि ये जो है इंसान में रूहानी जो इम्कानात हैं उनकी तरफ वाज़े इशारा कर रहा है। तो ये है इस खाक का अलामती जो पस मंज़र जिसके तहत मेरे ख्याल में ये जो है क़िस्सा आदम में जो तख्लीक़ बशर और नौए इंसानी की जो शुरुआत का जो जिक्र किया गया है वो इस तरह डार्विन के जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है या नज़रिया इर्तका है उससे हम आहंग हो जाता है, बल्कि ना सिर्फ हम आहंग हो जाता है बल्कि वो नज़रिया इर्तका की निस्बत ज़्यादा बातें हमें बता रहा है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, जो मज़ीद इसमें जो कहा गया है क़िस्सा आदम में वो ये कहा गया है कि मैं अर्ज़ पर, एक और जगह पे जो बयान है सूरह बकरा में, वहाँ ये कहा जा रहा है कि मैं अल्लाह ताला जो है वो फरमा रहे हैं मलाइका से कि मैं जो है वो ज़मीन पर नायब बनाने जा रहा हूँ। तो जब यहाँ इस तरह की जाती बात, इस कलम मलाइका तो इस रबों का मलाइका तो जो है वो सारे अल्फाज जो है मलाइका रबों का और इस काला वो सब एक ही है, सिर्फ फर्क यहाँ यही है कि बशरियत की जो तख्लीक के बारे में बात की जा रही है उसके बजाय अब नियाबत अर्ज पर नियाबत इलाही की बात की जा रही है। तो गोया यहाँ जो है वो ये वाजे किया जा रहा है कि बशर की जो तख्लीक है उसका असल मकसद क्या है। असल मकसद जो है वो अल्लाह जो है वो अपना नायब बनाना चाह रहा है। इतना ऊंचा और इतना आला वर्फा मकसद यहाँ बयान किया जा रहा है कि जो इंसान की जो तख्लीक है वो दरअसल जो है वो जमीन पर नायब बनाने के लिए है। तो ये यहाँ से फिर जो है इसके जो क़िस्सा आदम के जो मजीद जो पहलू हैं वो सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो इस पर जो है वो मलाइका एतराज़ कर रहे हैं। अब ये जो सारा मुकालमा चल रहा है मलाइका का और अल्लाह ताला का, ये दरअसल मुकालमा आप इस हवाले से नहीं है जैसे इंसानों के दरमियान मुकालमा होता है, बल्कि ये आप यूं कहें कि आलम अम्र में जो अल्लाह ताला की तरफ से जो अम्र किए गए हैं, जो बातें जो कज़ाए इलाही में दर्ज हैं, उन कज़ाए इलाही में दर्ज बातों का यहाँ जो है ना वो आश्कार किया जा रहा है। और ये जो बातें दर्ज हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अटल हकीकतें हैं, ये अटल हकायक है। और ये हर ना सिर्फ ये कि हर आदम हजरत आदम के ऊपर सादिक आते हैं बल्कि हर हर इंसान जो पैदा होता है उस पर ये बात सादिक आती है। तो उस पर जो है वो मलाइका ने एतराज़ ये किया कि जी ये तो फसाद और खून बहाएगा, और जिसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने ये फिर कहा कि जो जो अस्मा का इल्म है वो इसको मुहैया किया गया है। अब अस्मा का जो लफ्ज़ है वो क्या क्या मतलब है अस्मा का? अब इसम जो कहते हैं वो हम उर्दू में तो उसको कहते हैं ना नाम। तो जब हम किसी एक मखसूस चीज़ के बारे में कोई बात कर रहे होते हैं तो वो हमारा जो नुक्ता नज़र होता है वो उस शय के बारे में जुज़ई होता है। यानी कोई एक अगर मैं किसी एक शख्सियत के बारे में कोई बात कर रहा हूँ तो एक जुज़ई है, लेकिन जब मैं लफ्ज़ इंसान इस्तेमाल करता हूँ या मैं कोई घोड़ा इस्तेमाल करता हूँ तो तमाम घोड़ों पर सादिक आएगा बात वो,
और जब मैं कोई और लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, बिल्ली है या कोई दरख्त है, तो वो तमाम दरख्तों पर सादिक आती है। यानी जो इस्मा है वो एक कुल्ली हमें नुक्ता नजर पेश करते हैं। तो जो रूहानियात है, जो रूहानी तरक्की है इंसान की, वो असल में जुज़ई इल्म से, जो हिस्सी इल्म है वो जुज़ई होता है। एक एक वक्त में आप एक ही चीज का हिस करते हैं, कोई बात सुनते हैं या कोई चीज देख रहे हैं, वो उसमें बिल्कुल भी कुल्ली होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। फिर ख्याली इल्म थोड़ा सा उसमें कुलियत आती है कि अगर आप कोई सोचते हैं तो जब कोई मसलन किसी नाम को लिया जाता है तो वो तमाम, कोई दरख्त का नाम लिया जाता है तो आप तमाम दरख्त जहन में आते हैं, या अगर कोई मखसूस भी आता है, यानी कि उसमें मखसूसियत भी है, जुजैयत भी है और कुलियत भी है। और फिर उसके बाद दर्जा आता है इंसानी जो इल्म अदराक का, वो वहम का दर्जा आता है। तो वहम का जो अरबी में है, वो वहम उस अकल को कहते हैं जो जुजई हिस्सी अमूर के मुतालिक हो। तो जो वहम है ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है जिसकी वजह से हम इंसान जो है, तो अस्मा का यहाँ जो जिक्र किया जा रहा है वो असल में कुलियत की तरफ ही इशारा किया जा रहा है कि अस्मा के जरिए कुल्ली अलूम हासिल करने की कुदरत रखता है इंसान जो है, जो कि मलाइका के पास भी नहीं है ये कुदरत। और ये कुदरत इस तरह नहीं है मलाइका के पास कि मलाइका को जो भी काम दिया गया है, जो भी उनको ड्यूटी दी गई है, जो भी जिस चीज की भी तखलीक का उनको कहा गया है, बस वो उतना ही उनको इल्म है, वो उसी चीज की तखलीक कर रहे हैं। मसलन दरख्त का जो मलाइका है, दरख्त से मंसूब, वो दरख्त के बारे में जानते हैं और दरख्त को तखलीक कर रहे हैं। बिल्ली से मुतल्लिक कोई अगर मलाइका है तो बिल्ली को तखलीक कर रहे हैं, बिल्ली को ही जानते हैं। उनमें वो कुली जो है अरूज नहीं मिल सकता उनको, जो एक बशर के, हाँ बशर में कुदरत अल्लाह ताला ने बदियत किया। तो यहाँ अस्मा से मुराद, और फिर ये तो जो आम अल्फाज हैं, मैं उन तो उनका जिक्र कर रहा हूँ जो हमारी जुबानों में आ जाते हैं, मरवज हो जाते हैं। इससे जो आला और अरफा और मजीद कुल्ली जो अल्फाज अगर अस्मा हैं, तो वो अस्मा बनते हैं, मलाइका के अस्मा बनते हैं जो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। और इस तरह इंसान मलाइका के बारे में अगर गौर व फिक्र करे और उनके बारे में इल्म हासिल करे, तो मजीद कुल्ली इल्म और अकल इल्म हासिल करने का मुस्तहिक हो जाता है। और फिर अल्टीमेटली ये सिलसिला जो है ना, वो बात रुकती है इस्माए इलाही पर, जो इस्माए इलाही जो है वो कुलियत की आखिरी इंतहा पर पहुंचते हैं। और अगर उनका शऊर हासिल हो जाए और वो किस तरह जो है वो तमाम कायनात की तखलीक में अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो इससे आपको एक बहुत ही आला और अरफा किस्म की एक रूहानी तरक्की हासिल होती है। तो वो जब तरक्की, इतनी तरक्की हासिल हो जाती है, तो आप मुस्तहक हो जाते हैं कि तमाम जो मलाइका हैं वो आपके आगे सर सजूद हो जाए, क्योंकि उस वक्त वह आप जो है नियाबत इलाही के जो है ना वो आला तरीन मरतबे पर कायम हो जाते हैं। तो ये है वो आला अरफा मानी जो इस किस्से आदम में जो है वो फराहम करने की कोशिश की जा रही है अलामती और तफसीली पस मंजर में। तो और हम जो जानते हैं कि अल्लाह, ये बात नामुमकिन नहीं है कि इस जिंदगी में भी ये मुमकिन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिंदगी के अंदर ही मेराज जो हासिल किया, तो मेराज जो हासिल करने का मतलब यही है कि वो इंसानी जो है एक तकमील, जो जितनी भी मुमकिन है एक इंसान कामिल के दर्जे पर पहुंच गए। और वो दर्जा है जो तमाम मलाइका से भी ऊंचा दर्जा है, और उस पर तमाम मलाइका जो है वो सरबसजूद हो जाते हैं। और सजदे में जाने से मुराद यही है कि जो जो काम भी मलाइका कर रहे हैं वो अब आपके आपके जरेसर हैं। आप उनसे जो भी काम कायनात पूरी को आप आगे पीछे कर सकते हैं। यानी ये है इंसान का आला मुकाम जिसकी तरफ जो है वो यहाँ अलामती अंदाज में इशारा किया जा रहा है। तो मैं अब ये बात को जरा मुख्तसर करता हूँ। तो ये जो किस्सा आदम है, ये इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही, तो ना सिर्फ ये कि कंट्रोल हासिल हो जाता है कि जो अपने मलाइका के सिजदे के जरिए जो हमें पाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा जो है वो इंसान जो मुस्तहक हो जाता है ऐसे आला और रूहानी लिज्जतों और जो प्लेजर्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में ब्लिस,
उनका भी हो जाता है, जिसे हम जन्नत कहा जाता है, जन्नत का नाम दिया गया है। तो इसलिए ये कैसे आदम में कहा गया है कि तुम आप जो है अपनी हवा के साथ सुकूनत अख्तियार कर सकते हैं जन्नत में। तो ये है वो पोटेंशियलिटी, उस पोटेंशियलिटी का इजहार जो हर बशर जो पैदा होता है उसमें जो मौजूद है उसके उसका इजहार है। अब मसला सारा ये है कि उसमें एक चीज की उसमें मनाही की गई है, वो है शजर ममनुआ। अब एक शजर से मना कर दिया गया था, उससे एक शजर ममनुआ से यहाँ क्या मुराद है? तो अगर आप किस्सा आदम में ये जो सात मुकामात पर है उनमें अगर आप मुख्तलिफ जगहों पर जाके देखें तो हमें जो है वो चार बातें वहाँ नजर आती है इस किस्सा आदम में के ये जो फल है ये इसके बारे में चार हकायक सामने आते हैं। उसके जरिए हम उन हकायक के जरिए हम फैसला कर सकते हैं कि शजर ममनुआ जो है उससे मुराद क्या है, क्योंकि शजर ममनुआ के बारे में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ हजारे, और मैं भी कोई अपने बारे में ये नहीं कह रहा कि ये हरफ आखिर है, कोई अगर दलायल दे और अच्छे ज्यादा अच्छे दलायल दे तो आप कोई और भी मतलब उसका लिया जा सकता है। लेकिन जो मैंने इसके इस पर तहकीक की तो इसमें जो है वो ये कहा जा रहा है किस्से आदम के अंदर ही कि ये फल जो है ये बायसे दुश्मनी है इंसानों के दरमियान। अब ये एक एक नुक्ता तो उसका ये हो गया। दूसरा नुक्ता इसका ये है कि ये फल जो है ये फरिश्ते जैसा बाइज्जत बना सकता है। ये हमें शैतान जो है ना वो ये गुमराही करके गुमराह करता है, ये कि फल ये वाला फल इसलिए मना किया गया है कि कहीं आप फरिश्ता ना बन जाएं या आपको जो है वो अबदियत ना हासिल हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए ना आप जिंदा रह सकें। तो ये शैतान के वर्गलावा जो है ना वो होता है। तो इसके अलावा जो एक तीसरा नुक्ता है वो ये है कि इस फल के वजह से जो इंसान का जिस्म है वो यहाँ हो गया है, उनके ऊपर जो हवा और आदम और हवा थे उनके ऊपर जिस्म जो है वो यहाँ हो गया। और तीसरा चौथा जो इसमें नुक्ता है वो ये है कि जन्नत से उसका इखराज उनको निकाल दिया गया इस फल खाने की वजह से। तो अब ये अगर चारों पे आप गौर करें, पहला मैंने नुक्ता ये बयान किया था कि ये बायस दुश्मनी है दुनिया के दरमियान इंसानों के माबेन। तो अगर आप गौर करें तो जो दुनियावी जो हमारे मुफादात हैं जैसे प्रॉपर्टी है दौलत है उसके पीछे हम भागते हैं, तो अगर हम हद से जब ज्यादा उसकी उसके मुतलाशी हो जाते हैं और इन सारी चीजों के बारे में दुनियावी चीजों के बारे में शोहरत आ गई उसमें सेक्स पार्टनर्स आ गए उसके अंदर और खाने पीने की चीजें ये वो सारे जो हैवानी और दुनियावी जो चीजें हैं उसमें हद से बढ़ जाना जो है वो शजर ममनुआ है, क्योंकि इसी बुनियाद पर तो लोगों में दुश्मनी होती है। अगर हम गौर करें अपने तमाम सोसाइटी में तो ज्यादा दुश्मनियां जो हैं वो अगर आप ये कहेंगे मजहब की बुनियाद पर भी हुई है तो मजहब की बुनियाद पर भी दुश्मनियां वही हुई हैं जहाँ कोई ना कोई अथॉरिटी हासिल करने की कोशिश की गई है या कोई दुनियावी मामलात हैं। तो जो रूहानी लोग हैं या जिनको रूहानियात से सरोकार है जैसे सूफिया हैं तो उनकी तो दुश्मनी कभी भी किसी आपस में भी नहीं हुई ना। हेलो जी जी आमिर भाई जी, कंटिन्यू रखिए, बस आपकी स्लाइड्स नजर नहीं आ रही हैं तो अगर एक दफा अच्छा नहीं अब स्लाइड्स का काम तो हो भी नहीं रहा मेरे ख्याल में जी खत्म हो गया वो ये स्टॉप करना भी जो है ना जी अब नजर आ रहा हूं मैं नहीं आपकी वीडियो नहीं आ रही लेकिन आप कंटिन्यू रखें। अच्छा वीडियो नहीं आ रही। अच्छा
आपका मतलब बहुत अच्छा मोमेंटम जा रहा था, अगर डिफिकल्टी हो रही है तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ कंटिन्यू रखिए जी। आवाज तो बहुत सही आ रही है आपकी। अच्छा नहीं, ये यहाँ इसमें स्टॉप का है ही नहीं है, शेयरिंग शेयर स्क्रीन तो है, स्टॉप का करने का मामला नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रखिए जी। ये पता नहीं क्या वजह है, इसको कैंसिल भी कर रहा हूँ मैं। आपकी गुफ्तगू बहुत खूबसूरत है, आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए बिल्कुल। यानी इस वक्त आपके दर्द अहम है, आपका चेहरा तो है अहम, लेकिन उससे ज्यादा आपकी जो फिक्र है वो अहम है। जज़ाकअल्लाह। अच्छा चले, मैं नहीं, वो मैं यही देख रहा था कि पता नहीं है किस तरह क्या कौन सा बटन मैं अभी आपकी शेयरिंग तो बंद हो चुकी है, आप शेयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा। आप बस अगर आपके पास कोई कैमरे का कोई बटन है तो अगर आप वो क्लिक कर लें तो ऑन हो जाएगा। नहीं मैंने वो तो उससे तो बंद हो जाती है ना अब ये। आप अमित साहब कंटिन्यू कीजिए, हमें आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। एक मिनट जब हो ही गया तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो इंसानों के माबैन ये जो फल है वो इंसानों के माबैन बाइस दुश्मनी है, तो जो हमारे ये जो हद से ज्यादा जो जरूरत से ज्यादा दुनियावी जो मुफादात हैं उस पर जब हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं और सारी अपने मकसद हयात जो है वो हम जरूरत से ज्यादा दौलत और जरूरत से ज्यादा हर चीज जो है ना वो प्रॉपर्टी और जरूरत से ज्यादा जो है और दीगर चीजें जो है उस पर जब हम ये करते हैं तो उस वक्त जो है वो हम जो है उस रूहानी जो सफर है जो हमारा खुदा ताला की तरफ वो उस पे उसमें बहुत ज्यादा मुज़ाहमत पैदा होती है। तो ये कहना गलत ना होगा कि ये शजर ममनुआ से मुराद यही है कि तमाम जरूरियात से परहेज नहीं है। ये नहीं है कि आप दौलत कमाएं ही ना या आप जो है वो दीगर ख्वाहिशात करें ही ना। आप करें ये सारी ख्वाहिशात जो है जो जिस्मानी ख्वाहिशात भी होती है और जो लेकिन वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना बकदर जरूरत करें और अपनी जो असल तवज्जो है वो हमारी जो है वो रूहानी तरक्की की तरफ होनी चाहिए, नियाबत इलाही की तरफ होनी चाहिए जिस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में इस जमीन पर पैदा किया गया है। तो ये है असल मकसद और ये है फल वो ममनुआ जो हमें जो जिस जो जन्नत का जो हमें एंटाइटलमेंट है, यानी ये इस जिंदगी में भी हम वो उस जन्नत पे जा सकते हैं लेकिन सिर्फ उस वजह से ही हम जन्नत से निकले हुए हैं क्योंकि हम जो है वो जरूरत से ज्यादा जो है वो तवज्जो जो है वो दुनियावी ख्वाहिशात और दुनियावी मामलात में देते हैं। अब अगर दूसरे नक्ते पे आए तो वो यही है कि शैतान ही तो है जो हमें जो है वो ये वरगलाता है कि हम दुनियावी चीजें जो है अख्तियार करें तो हम बड़े बाइज्जत बन जाएंगे और बड़े जो है ना वो शायद हमें मौत से भी हमें ये दौलत बचा लेगी। लेकिन आपने देखा होगा आम ये जो है मुशाहदे की बात है कि कितने ही अमीर से अमीर लोग भी जो है वो बहुत दफा जो है वो दौलत पड़ी की पड़ी रह जाती है लेकिन वो बहुत जल्दी वफात पा जाते हैं और मतलब उनका कोई अबदियत से कोई ताल्लुक नहीं है बराए रास्त जो है। बहुत सारे गरीब लोग जो है वो बहुत बूढ़े होकर वफात पाते हैं। मौत तो बहरहाल एक यकीनी चीज है, हर शख्स ने मर जाना है लेकिन हमें धोखा तो यही लगता है कि जैसे हम जो है ना अगर दौलत कमाएंगे तो अबदियत हासिल कर लेंगे और फरिश्ते जैसे बाइज्जत हो जाएंगे। तो ये बात सिर्फ एक शैतानी वर्गलावा है, इसलिए हमें ये फल इससे परहेज रखना चाहिए। और फिर जो है एक और जो तीसरा नुकता है वो है ये है कि साम जो है उनके ऊपर या हो गए दोनों जो आदम और हव्वा के ऊपर जो जिस्म है, तो जिस्म जहाँ अलामत है हैवानी ख्वाहिशात की और हैवानियत की, तो लिबास का भी जो एक पहने का जो एक मकसद मौसमी असरात से बचना भी है और खूबसूरत नजर आना भी है, उसमें एक बड़ा मकसद जो है ना वो लिबास का वो ये भी है कि जो लिबास जो है वो हमारी हैवानी जो बदन है उसको छुपाता है। तो कोई भी ये नहीं चाहता कि वो बेलिबास हो। तो यहाँ मुराद ये है कि जब आप बहुत ज्यादा दुनियावी ख्वाहिशात को बहुत ज्यादा अपने सर के ऊपर सवार कर लेते हैं तो उनमें ज्यादातर ख्वाहिशात जो है वो हैवानी है
और हैवानी होने से आप में वो हैवानियत की तरफ अपने हैवान होने का एहसास बढ़ जाता है, तो जो कि खुद आपके लिए एक जो है ना वो बाइस से शर्म हो जाता है। तो यहाँ शाम पे या होने से मुराद इसी एहसास जिस्म हैवानियत का सामने आना है। और ये जो कहा जा रहा है कि जो जन्नत के पत्तों से वो चिपका कर जो है ना वो उन्होंने चिपकाने शुरू कर दिए अपने जिस्म पर, तो पत्तों से यहाँ मुराद जो आजकल के दौर में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा गुड मैनर्स और डिसेंसी और इस तरह की चीजों में बड़ा फैशन पे ये किया जाता है। वो असल में सारी ये बुरी चीजें नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरी चीजें हैं और ये आप अख्तियार ना करें। कहने का मतलब यह है कि वो डिसेंसी और ये इसलिए इस्तेमाल किया जाती है ताकि वो अपनी हैवानियत जो है उसको छुपाया जाए। तो इन पत्तों से मुराद चूंकि ये खुद प्लेजरेबल चीजें हैं तो ये जन्नत के पत्ते हैं सूखे, ये पत्ते ही हम फिर हम इस्तेमाल करते हैं अपनी हैवानियत को छुपाने के लिए। तो ये इस तरह बनती है इसके जो अलामती अजहार है किस्से आदम का। तो मैं समझता हूँ कि ये सैर हासिल इस पर बहस हो गई है, तो इसलिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया अपनी इस किताब के बारे में तबसरा करने का। जी बहुत 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 शुक्रिया आमिर रज़ा साहब आपका कि आपने ये मौका हमें दिया बेसिकली कि हम जो हैं वो आपकी किताब से मुस्तफीद भी हो सकें और आपको सुन भी सकें। बाकी तमाम